राजधानी दिल्ली में रामलीला के मंचन की तैयारियां शुरू हो गई हैं और रामलीला कमेटियों की तरफ से भूमि पूजन के साथ सभी पंडाल निर्माण का काम भी किया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के सीबीटी ग्राउंड में आयोजित श्री हनुमान धार्मिक रामलीला कमेटी के भूमि पूजन समारोह में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और विधायक ओपी शर्मा पहुंचे। मैं सबसे पहले हनुमंत रामलीला कमेटी के आयोजकों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस आयोजन के संकल्प को स्वीकार किया और रामलीला कराने का निर्णय लिया। रही बात है अड़चनों की, पहली बार दिल्ली में माननीय उपराज्यपाल जी के निर्देश पर दिल्ली पुलिस हो, डीडीए हो, एमसीडी हो या कोई भी एजेंसी हो, सबको कोऑर्डिनेट करते हुए सारी मुश्किलों को आसान किया है। जहां पहले बहुत सारी बैंक गारंटी हो, परमिशन हो, उनको लेने में दिक्कतें आती थी, वो सारी दिक्कतें दिल्ली के अंदर वो दूर हुई और रामलीलाओं के होने के आयोजन होने का रास्ता बहुत सुगम और साफ हुआ है। जमुना पार्क के अंदर, इस ग्राउंड के अंदर बहुत रामलीलाओं का आयोजन होता है। आज ये जो रामलीला, जिन रामलीला कमेटी के सदस्यों ने यहाँ करना शुरू किया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस अच्छे काम को शुरुआत किया है। निगम की तरफ से हमेशा फॉगिंग हो, सफाई हो, वो सारी रामलीला कमेटी के कोऑर्डिनेशन से, सहायता से सारे काम होते हैं और बाकी जो काम है निगम के वो भी निगम करता है। इस मौके पर नारियल फोड़कर आदेश गुप्ता ने कमेटी की तरफ से आयोजित की जा रही रामलीला के पंडाल निर्माण का कार्य का शुभारंभ किया। बता दें, रामलीला मंचन के पहले दिन भगवान हनुमान की जीवन का चित्रण होगा, उसके बाद श्री कृष्ण लीला और फिर डांडिया समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं श्रद्धालुओं और दर्शकों की सुरक्षा व्यवस्था का भी खास इंतजाम किया गया है। बता दें, 2 साल बाद रामलीला के आयोजन को मंजूरी मिली है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।